ये हीरा मानी प्रोफेशनल नाम है, शो बिजनेस का। हाँ, मैं ड्रामों में भी एंड में हीरा मानी लिखवाती हूँ। अच्छा, हीरा मानी। तो ये कब सोचा था? ये खुद ही हुआ है। मुझसे लोग पूछते हैं कि आप एंड क्रेडिट्स में क्या बोलते हो, हीरा मानी। मुझे होता है कि बस सलमान, क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ सलमान कौन है, मैं तो मानी को जानती हूँ, तो मुझे मानी से प्यार है, तो मुझे दिल करता था कि मेरा नाम हीरा मानी ही हो। हीरा बहुत प्यार है, बहुत बहुत, सीरियसली क्यों क्यों है इतना प्यार? पता नहीं, बहुत प्यारा इंसान है। मुझे एक आम सी मैं लड़की थी समीना, मैं कुछ भी नहीं थी। उसने मुझे क्या बना दिया, उसने मुझे हीरा मानी बना दिया कि लोग मुझे पलट के देखते हैं, मेरे काम को पसंद करते हैं, मुझसे आके ऑटोग्राफ लेते हैं। उसने मुझे तमीज़ सिखाई है, मुझे सलीका सिखाया है, जिम्मेदारी सिखाई है। बहुत ब्यूटीफुल इंसान है मानी। मतलब मानी के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है ऑनेस्टली। इतना प्यारा आदमी है, उसके अंदर कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, उसके अंदर कोई जेलिसी नहीं है, उसके अंदर कोई ये नहीं कि मेरा अना है, मैं बड़ा हूँ, मैं मर्द हूँ, कुछ भी नहीं। इतना सॉफ्ट, उसने मुझे बदल के रख दिया। आपको पता है मानी ने, मैं ऐसे थी, मानी ने मुझे ऐसे कर दिया। तो वो जो बबली, एक शरारती और एक फनी, हाँ वो तो मैं नॉन सीरियस है ना, है ना, वो तो मैं हूँ। लेकिन जैसे क्या चेंज किया? आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान आता है जो आपको बताता है कि आपके अंदर ये खूबी है। लोग आपको बताते हैं आपकी खामियां। मुझे बहुत लोग मिले बचपन से अब तक, आपके घर वालों के अलावा आपको कोई आपकी खामी, आपकी खूबी नहीं बताता। आमतौर पे लोगों को आपकी खामियां ज़्यादा नज़र आती हैं। यार ये तो ऐसे बोल देती है, ये तो ऐसे बात करती है, ये तो ऐसे करती है, तो पता नहीं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है। लेकिन मानी ने मुझे बताया कि हीरा तुम्हारे अंदर ना ये टैलेंट भी है। मैं बहुत ट्रेडिशनल हूँ, मुझे उस मानी ने बताया कि ईद में प्रॉपर ईद मनाती हूँ, फैमिली का कोई फंक्शन हुआ मैं खाना पकाती हूँ। उसने मुझे बताया मेरी खामियाँ, मेरी खूबियाँ, कि तुम देखो, तुम घर को जब घर में आती हो, जब तुम हीरोइन वाले कपड़े उतार के एक माँ वाली जैकेट पहनती हो, जिसमें तुम एक माँ होती हो, एक बीवी होती हो, तो तुम कितनी अलग होती हो। उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि तुम इस फील्ड को भी लेके चल सकती हो, तुम फैमिली को भी लेके चल सकती हो, और तुम रिस्पेक्ट के साथ हर चीज़ कर सकती हो, बिलीव मी और नॉट। तो ये मानी कहाँ से मिला था? मानी कहाँ से मिला था, बहुत खूबसूरत दिन था वो, और आज भी देखे मैं चर्वे करती हूँ, जब मैं मानी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और उस टाइम पे जब वो नहीं मिला था तो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, क्योंकि जब चीज़ मिल जाती है ऑब्वियसली मैं उसके साथ हूँ, उसको छू सकती हूँ, उसको देख सकती हूँ, उसके लिए कुक कर तो सकती। क्या चीज़ अच्छी लगी थी, कहाँ देखा था? टीवी पे। और क्या अच्छा लगा था? लग रहा था कि जैसे मेरे जैसा कोई इंसान है, जिससे ये तो मैं हूँ, ये तो मैं सुनना चाहती हूँ जो ये बोल रहा है। मानी एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो हर आम बंदा उससे कनेक्ट कर सकता है, बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकता है। कितनी, क्या उम्र थी जब मानी से कनेक्ट हुई, जब देखा, क्या उम्र? 18 साल, 17 साल। स्टिल इन कॉलेज? हाँ, कॉलेज में थी। दिया है। हाँ। कहाँ मिले थे? मानी देखा तो टीवी पे था, मगर हाँ। मिले कहाँ थे? अल्लाह देखे करता है ये। मानी मेरी फ्रेंड का फ्रेंड था। और अजीब सी बात है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। ओह अच्छा। हाँ, और मैं अपनी फ्रेंड का प्रोजेक्ट्स बनाती थी, और मैं उसके घर पर प्रोजेक्ट बना रही थी, तो सारी रात भी इससे बात कर रही थी। तो मैं अपने काम में लगी हुई थी, मैं थोड़ी सी अच्छी हूँ चीज़ों में, तो मैं यहाँ पर, अच्छा बाय द वे मेरी मंगनी भी हुई हुई थी, मेरी शादी भी होने वाली थी, आपको पता है, और मैंने कहा 6 महीने रह गए तो शादी में, और मैं अपने मंगेतर से नॉर्मल, वो थोड़ा बैंकर है तो वो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड टाइप इंसान है, बिल्कुल अच्छा। मेरी रेंज से बाहर। अच्छा, क्योंकि मैं तो बड़ी इस तरह की हीरोइन टाइप ना, मुझे तो कोई हीरो चाहिए ना, सिक्स पैक्स वाला। खैर, तो ये हुआ कि मैंने उससे बात बात करके बंद करके मैं अपना काम करना शुरू की। तो मेरी दोस्त मुझसे से बातें करिए, तो मैंने नेक्स्ट डे पूछा कि तुम सारी रात किससे बात कर रही थी, तो उसने कहा मैं मानी से बात कर रही थी। तो मेरे तो एंटेनास ऐसे खड़े हो गए ना, मैंने कहा अच्छा
फिर नेक्स्ट डे मैंने बहुत बुरी हरकत की, आई एम सो सॉरी, मैंने उसके फ़ोन से मानी का नंबर निकाल लिया था। और जब मैंने उसके फ़ोन से मानी का नंबर निकाला तो फिर मैंने मानी को कॉल की मरियम खान बन के, और मैंने कहा मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मुझे तुमसे मिलना है। तो इस तरह फिर मैंने अपनी उस फ्रेंड को कहा कि देखो मेरी तो शादी होने वाली है 6 महीने बाद, तुम एक काम करो मुझे मानी से मिलवा दो। और एक तरफ मेरी मानी से फ़ोन पे बातें चल रही हैं और एक तरफ मैं उससे एज फैन मिलने गई हूँ, दिख रही हूँ। फिर जब मैं मानी के साथ एज फैन उसके साथ बैठी ना, मैंने बड़ी उस दिन समीना मैं आपको बता नहीं सकती, मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी, उस वक्त कर्ल्स और पर्म्स करने वाली कोई चीज़ नहीं थी, मैंने रात को छोटी छोटी चुटियाँ बना कर, क्योंकि उस वक्त ताल मूवी आई हुई थी आई गेस, और मुझे ऐश्वर्या बन के जाना था तो मैंने छोटी छोटी चुटियाँ बना के ना मैं सो गई थी। दूसरे दिन मेरी एक बड़ी खूबसूरत कमीज सलवार था, फुल स्लीव्स, थोड़ा सा आगे से ऐसा गला, थोड़ी फिटेड चूड़ीदार, कि बस मानी मुझे देख ले और कहे बस यही लड़की है जिससे मैंने शादी करनी है, यू नो। मैं ऐसे, अच्छा उसने गाड़ी भेजी मुझे लेने के लिए, तो मैं जब उसकी गाड़ी में बैठी, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को उसने भेजी होगी गाड़ी, तो हम भी उसी गाड़ी, मैं भी उसी गाड़ी में गई, तो यहाँ मानी की टी शर्ट पड़ी हुई, यहाँ उसका जेल पड़ा हुआ, यहाँ उसके जूते पड़े हुए। मैंने कहा यार मैं मानी की गाड़ी में फाइनली बैठ गई हूँ, और मुझे यकीन ही ना आया ना। तो अब मैं उस अपनी फ्रेंड को भी नहीं बता सकती कि यू नो मैं तो उससे बात कर रही हूँ, मैं तो बड़ी ऐसे बनी हुई थी वो करके। दो तीन दफ़ा मानी मेरे एरिया में आए थे ना, वो स्ट्रीट शोज़ करता था, तो जैसे मेरे भाइयों को पता है मैं मानी की फैन थी तो मुझे बताते थे, तो मैं नीचे दो दफ़ा गई, तो उस वक्त तक मानी जा चुका होता था। तो फाइनली इतनी स्ट्रगल के बाद कि यार मैं मानी से कभी मिल लूँ, मानी से मैं इतनी ईजी मेरा कनेक्शन हो जाएगा, ये मुझे नहीं समझ आई। खैर फिर हम जब मानी की तरफ वहाँ पहुँचे, तो मैं खड़ी हुई थी ऐसे ना, फुल गले में मेरा दुपट्टा था, बाल मेरे ऐसे कर्ल हुए हुए थे, और एक लड़का आया और जंप नहीं लगाते थे सीढ़ियाँ, एक तो उतर के आते हैं, वो ऐसे जंप लगा के आया, हाँ भाई क्या हो तुम लोग आ गए हो, तो ऐसे नहीं जैसे कोई सब कुछ स्लो हो गया। फिर मैंने देखा, मैं जब स्ट्रीट्स देखती थी या सबसेटिंग में, तो ये बहुत काला सा गंदा सा ऐसा सा होता था, और मुझे उस मानी से प्यार था जो डार्क सा था, जो धूपों में यू नो जिसने रंग जलाया हुआ था। लेकिन उस वक्त जब मानी मेरे सामने आया, तो वो शायद वो थोड़े पैसे आ जाते हैं तो आप थोड़े बेहतर हो जाते हैं, तो मैंने कहा मानी वो पैसों की ग्लो थी तुम्हारे अंदर। तो मैंने देखा स्पाइस बने हुए, चमकती हुई शक्ल और ना ऐसे आर्म्स बने हुए, मैं तो फ्लैट। फिर मैंने उसको दो तीन, अच्छा फिर क्या हुआ, मैं और मानी निकल, उसने कहा आप कुछ बोलती नहीं है, मैं डर गई, मैंने कहा अगर मैं बोलूँगी तो ये तो पहचान लेगा कि तो फ़ोन वाली मरियम है, क्योंकि तेज़ बहुत है मानी, तो मैं चुप। उसने कहा आप गूंगी हैं, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं एक सेकेंड आई, मैं कॉल करके मैंने कहा मंगेतर का फ़ोन आया हुआ करके मैं बाहर चली गई। फिर मैं आई तो मानी का स्वेटर था ऐसे, पता नहीं उसने ऐसे हुआ तो उसका स्वेटर गिर गया ना, तो मैंने ऐसे स्वेटर उसको उठा के दिया, और मैंने उसको थोड़ा देखा कि शायद ये मुझे पसंद कर ले या मैं पहचान ले, मैं कुछ चाह रही थी कुछ हो जाए, लेकिन वो मेरी दोस्त भी थी साथ, बहुत ही कोई अजीब सीन था। खैर हम घर आ गए, जब हम घर आ गए तो मैंने वो सिम लगाई जिससे मैं मानी से बात करती हूँ, वो सिम किसी के पास नहीं थी, तो ना मेरे भाई इतने सख्त, उनको ना पता, उनको लगता था मैं मंगेतर से बातें कर रही हूँ, लेकिन मैं बातें मानी से कर रही होती थी। तो मानी ने कहा मुझे मरियम तुम्हें पता है आज एक लड़की आई थी मिलने के लिए, कितनी बुरी थी, इतनी अजीब सी थी, अपने अंदर कोई हीरोइन समझ रही थी अपने आप को, लेकिन वो मेरे राइटर को बहुत पसंद आ गई है। जब हम मानी से मिलने गए थे ना, तो वहाँ पे एक छोटा सा काला सा लड़का हमें लेने आया था, तो मानी ने कहा वो बोनी है और वो बोनी को पसंद आ गई, और मैं उसका रिश्ता ढूंढने जा रहा हूँ उसका घर का पता निकाल के। तो मैं डर गई, मैंने कहा यार तो टीवी में होता है, कहीं वाकई इसने मेरा पता लगा लिया, यहाँ तो मेरी मंगेतर से मेरी 6 महीने बाद शादी होने वाली है, मेरे घर वाले तो मुझे मार देंगे, ये तो ये क्या हो। मैंने कहा मानी वो मैं ही थी। तो मानी ने कहा मुझे पता था वो तो। फिर हमारी बात हुई, यहाँ मैंने अपने मंगेतर को चीट किया, और मैं उससे थोड़ी सी बात करके फ़ोन बंद कर देती थी कि मुझे नींद आ रही है, और यहाँ मैं मानी से लंबी रात, सारी रात बातें, और फिर मानी गायब हो गया, मानी गायब हो गया मेरी लाइफ से 4 महीने के लिए, और मैंने, और मुझे लग रहा था ये मुझसे शादी करेगा या हम शादी कर लेंगे, लेकिन वो गायब हो गया। मैंने एक दिन कॉल की तो उसके भाई ने फ़ोन उठाया,
उसके भाई ने कहा आप मुझसे बात कर लेना, मानी तो है नहीं। तो मेरा दिल ऐसा हुआ, मैंने कहा अच्छा, फिर मुझे हुआ ये शायद जो मैं कर रही हूँ ये मेरे साथ गोज अराउंड कम्स अराउंड वाली बात कारमा हो गया। फिर मैंने असाफ को सब बता दिया, अपने मंगेतर को। मैंने कहा ये मैंने किया है और इतने 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 मंथ्स मैं मानी के साथ थी, अब आपको मुझसे शादी करनी है तो करें, नहीं करनी तो मैं भी अपने घर में बता देती हूँ और आप भी बता दें। मैंने क्लियर कट बात कर दी। अब मैंने क्या किया, इन द मीन टाइम मैं बड़ी सैड हो गई, मेरे घर वाले परेशान हो गए कि यार ये तो बिल्कुल ही, उस टाइम पे वो जब भी मैं टाई हुई थी वो हर फिल्म से तो मेरा कनेक्शन हो जाता है। अब मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी अब्बू के बैंक में, अब वहाँ मैं अजीब चुटिया बना के तो कपड़े पहन के और ऐसे जाके बैठ जाती थी सुन, और एक गाना चलता रहता था मेरे हेडफोन्स पे, आओगे जब तुम ओ साजना, सुना है गाना आपने? पूरा पूरा सुना दो। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। तो अभी फिल्म का तो आपको पता नहीं होगा, ये इस फिल्म के सीन था कि उसका जो प्यार होता है ना, मैंने देखी है दो दफा बस। तो मैं उसी फेज में थी कि अंशुमन चला गया और ये रह गया मेरे साथ और साफ चश्मे वाला जो। लेकिन फिर आगे जाके चेंज हो गई कहानी मेरी। फिर मानी का अचानक से फोन आया मेरे पर, मैं बड़ी डल डाउन, खत्म मेरी लाइफ। सामने एक मेरा अकाउंटेंट होता था सारे, अब उसका भी कोई कनेक्शन हो गया था मुझसे, उसको मैं पसंद आ गई थी क्या था? अब मैं तो कुछ करती नहीं थी, मैं तो एक अलग जोन में, वो मेरे सारे काम कर रहा था। अलग जोन में होते हैं ना, हाँ। जो लोग ऐसे होते हैं ना जो कहीं और रहते हैं, किसी क्लाउड 9 पे या 8 पे या 10 पे रहते हैं ना, जो लोग उनको लोग सारे लोग पसंद करने लगते हैं, हाँ ना? क्योंकि एक ऑरा क्रिएट हो जाता है, हाँ। कि ये कहीं और ही है ना ऐसे। हाँ, मैं कहीं और ही थी हेडफोन लगा के। वो मेरे सारे बेचारे काम कर देता था, उसको लगता था कि मैं उससे फंस गई हूँ और शायद मैं उससे शादी कर लूंगी, लेकिन मैं तो कहीं और थी। अच्छा, उससे मैं हंस के। अच्छा, मंगेतर का क्या बना इस दौरान जब उसको सब कुछ बता दिया? कुछ नहीं, उसने कहा कोई बात नहीं। मुझे समझ नहीं आता, लोग मुझे बहुत जल्दी माफ कर देते, शायद मैं सॉरी कर लेती हूँ, एक्सेप्ट कर लेती हूँ, हाँ ये मुझसे हुआ है। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती,